शराबबंदी को लेकर के लगातार पुलिस जो है वो शादियों में छापेमारी कर रही है और बीते कल की तस्वीर आई जहां बिना महिला कांस्टेबल के पुलिस कर्मी जो है वो महिलाओं के रूम में घुस घुस करके शराब की तलाशी ले रहे थे। महिलाएं कपड़े बदल रही थी मगर पुलिस कर्मी जो है वो लगातार तलाशी में जुट गए थे। और इस बात को लेकर के जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा इस बात की जानकारी हमें नहीं है। वो सीधे मुकर गए इस बात से और साथ में कह भी दिया कि पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है और पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वो सुनिए। ये ऐसी शिकायतें पुलिस को मिली है कि शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता, तो जब पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से जा रहा, तो इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी को चिंता नहीं करनी, जब करते ही नहीं है तो क्या दिक्कत है। और बहुत अच्छा है, कहीं के बारे में पता चला होगा तो पुलिस वाले को कहा गया, किया गया, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं। ये जानकारी हमको नहीं है। जो न्यूज आता है उसी को देखते हैं, उसके बारे में जानकारी और लेते हैं। आज भी जो आया है उसके बारे में हमारे कार्यालय से लोग पूछताछ भी कर रहे हैं, वो एक अलग विषय। लेकिन ये जिम्मेवारी उन्हीं को दी गई है, प्रशासन को और पुलिस को, सबको, कि एक एक चीज़ को देखिए। और जगह जगह पर इस तरह का जो करते हैं तो हर तरह से जो शराब पीने का, शराब का उपलब्ध करने का, ये बिल्कुल गलत चीज़ है और अनैतिक है, बिल्कुल गैरकानूनी है। तो इस पर रोक लगाना है और लोगों को जागरूक करना। कुछ लोगों में भय पैदा हो गया, चिंता हो रही है। नहीं, भय नहीं, ये तो खुशी होगी। आप देखिएगा अभी जो इसका जो शुरू हो रहा है और जो अभियान चलेगा, आप देखिएगा कुछ समय के बाद हम लोग समय तय करके पूरा का पूरा अभियान हम लोग सब जगह विभिन्न जगहों पर जाएंगे। कम से कम 10-12 जगह पर हम लोग जा करके एक एक चीज़ पर बातचीत करेंगे लोगों के साथ, तो देखिएगा कि किस तरह से लोगों में और अवेयरनेस आएगा। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि एक साल हो गए सरकार बनने को, उपलब्धियां दिख नहीं रही है, कैसे 19 लाख रोजगार देंगे? तो पूछ लीजिए ना उनसे, उन्हीं से पूछिए। आज जो कहे उसको खूब छापिए, उसको क्या मतलब है, काम से मतलब है ऐसे लोगों का, काम कितना हो रहा है आप लोगों को नहीं पता है। देखते हैं कि किस तरह से काम और कहां कहां हम लोग जानते हैं। ये हमारे जितने साथी हैं अपने अपने विभागों के लिए किस तरह से कोई एक जगह बैठे रहते हैं, कहीं कोई आराम से रहता है जी, घर के अंदर बैठा रहता है, कि सब लोग कितना ज़्यादा देखते हैं एक चीज़ को। और हम लोग कोई भी चीज़ को समीक्षा ही नहीं, बल्कि इसके बारे में कि भाई और आगे एक्सपेंशन कैसे हो, कैसे इसका हो, कहीं का कोई शिकायत आता है। अब तो जान रहे हैं, हर महीने 3 सोमवार को जो मिलते हैं, तो जितना काम हम लोग कर रहे हैं अगर उसके बारे में कोई शिकायत लेकर के आता है तो उसके बारे में और ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। तो अब कहाँ किनको क्या लगता है अपना बोल लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बोलने का अधिकार तो सबको है ही है। तो आपने सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बिहार में सख्ती से शराबबंदी लागू कराने का जिम्मा जो है वो पुलिस अधिकारियों को सौंपा गया है। मगर सवाल ये है कि अगर महिलाएं कपड़े बदल रही है तो क्या पुलिस कर्मियों को उन रूम में भी जाकर के तलाशी लेनी है? क्या महिला कांस्टेबल नहीं रह सकती थी साथ में? आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ।